नवरात्र में कितनी कन्याओं का पूजन करना चाहिए, प्रतिदिन किनका करना चाहिए, क्या प्रतिदिन पूजन करना आवश्यक है या एक ही दिन पूजन कर सकते हैं, और पूजन करने के कितने कितने क्रम हैं, तथा कैसी कन्या नवरात्र में पूजन करने योग्य हैं, तथा कैसी कन्याएं पूजन में निषिद्ध की गई हैं, किस जाति वाले के लिए किस जाति की कन्या का पूजन करना चाहिए, क्या सभी वर्ण की कन्याओं का पूजन हो सकता है, और ये जो है कितनी बड़ी कन्या हो तो उसका पूजन नहीं करे, इत्यादि कामना भेद से कुछ कामना चाहते हो कि हमारी भाई ऐसी इच्छा है तो उस भेद से भी क्या कन्या पूजन में कोई भेद है क्या? इस दृष्टि से इन प्रश्नों के उत्तर आप समझें। ये जो प्रश्न है कि कोई यदि ऐसे प्रश्न करे तो उसके उत्तर श्रीमद् देवी भागवत में तृतीय स्कंद के 26वें और 27वें अध्याय में दिए गए हैं। आप लोग ध्यान से सुने और उसका परिपालन भी करें। एक वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परमज्ञा तु भोगा नाम गंधादी नाम च बालिका। कह रहे हैं कि एक वर्ष से छोटी कन्या का जो है पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई संभार आदि उसको देंगे तो उसके प्रति उसकी कोई भी जो आसक्ति इत्यादि नहीं होगी, वो स्वाद या कुछ ऐसा नहीं ले पाएगी। इस दृष्टि से वो छोटी कन्या का पूजन में निषेध किया गया है। अब देखें, कुमारिका तो साप्रोक्ता द्विवर्षा या भवे दिया, जो 2 वर्ष की है उसका नाम कुमारी कन्या होता है और उसका पूजन किया जाना चाहिए। त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्धिका, और 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति और कल्याणी चतुरब्धिका, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। रोहिणी पंचवर्षा च षड्वर्षा कालिका स्मृता, चंडिका 7 वर्षा स्या 10 वर्षा च शांभवी। रोहिणी पंचवर्षा, 5 वर्ष की कन्या का नाम रोहिणी है, और षड्वर्षा कालिका स्मृता, 6 वर्ष की कन्या की संज्ञा जो है कालिका कही गई है, और 7 वर्षा चंडिका स्यात्, 7 वर्ष की जो है चंडिका नाम वाली है, और 8 वर्षा च शांभवी। शांभवी कन्या उसे कहते हैं जो 8 वर्ष की हो। 9 वर्षा भवे दुर्गा, और 9 वर्ष की कन्या साक्षात भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है, वही नाम है उसका। सुभद्रा 10 वर्ष का, और 10 वर्ष की कन्या का की जो संज्ञा है नाम है वो सुभद्रा है। अत ऊर्ध्वम न कर्तव्या सर्व कार्य विगरेता, और इससे ऊर्ध्व आगे की जो है कन्या को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो ठीक नहीं है, क्योंकि आगे रजोदर्शन संभवात, रजोदर्शन की संभावना है। इस दृष्टि से रजोदर्शनात् प्राक् ग्राह्या, रजोदर्शन से पहले की जो कन्या है वो ग्रहण करने योग्य है, ये इसमें नाम बतलाए गए इनके। और भी इसी नाम से फिर मंत्र दे करके पूजन किया गया है, ये नाम वाली कन्या इस काम में ग्रहण की जाए, ये तंत्र शास्त्रों में ये जो है दुर्गा जी से संबंधित जो तंत्र ग्रंथ हैं उनमें विशेष रूप से दुर्गा भक्त तरंगिणी इत्यादि में वर्णन है, वहां आप देख सकते हैं। कैसी कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, कैसे रूप गुण आदि वाली कन्या का पूजन नवरात्र आदि सभी कार्यों में निषिद्ध किया गया है। देखिएगा, हीनांगीं वर्जयेत कन्यां पुष्ट युक्तां व्रणांकितां गंधस्फुरित हीनांगीं विशाल कुल संभवां। देखिए, हीनांगीं जो जिनका अंग भंग हो, अंग कटा आदि हो, ऐसी कन्याओं को वर्जयेत, कुष्ठ युक्तां, कुष्ठ से युक्त, कुष्ठ रोग से युक्त,
और घाव आदि हो गया वो वृणांग की नीम, गंध स्फुरित ही नांगीम, और किसी भी अंग से जो है दुर्गंध आ रही हो, जो पू यानी पीव आदि लगी हो, ऐसी विशाल कुल संभवाम, विशाल कुल में जो उत्पन्न हुई हो उसको भी नहीं लेना चाहिए। जात्यन्धाम केकराम काणीम कुरूपाम बहुश रोमशाम संत्यजेत रोगिणीम कन्याम रक्त पुष्पा दिनांकिताम। जात्यन्धाम, जन्मजात जो अंधी हों, केकराम जो जिनकी नजर तिरछी हो, काणी हो, कुरूपाम कुरूप हो, और बहु रोमशाम जिनके शरीर में बहुत रोए हो, संत्यजेत रोगिणीम कन्याम और रोगिणी कन्या को भी छोड़ देना चाहिए। तथा रक्त पुष्पा दिनांकिताम, जो ऋतुमती होने लगी हैं या हैं ऐसी कन्या का भी जो है वर्णन नहीं करना चाहिए, उनको निमंत्रण में नहीं रखे। अब जाति के हिसाब से बतला रहे हैं कि किस जाति की कन्या का क्या फल है और कौन उत्तम है, कि ब्राह्मणी सर्व कार्येषु जयार्थे नृप वंशजा लाभार्थे वैश्य वंशोत्था मता वा शूद्र वंशजा। कह रहे हैं ब्राह्मणी सर्व कार्येषु, सभी कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मणी कन्या का निमंत्रण करना चाहिए, और जयार्थे नृप वंशजा और विजय की कामना वालों के लिए, विजय चाहने वालों के चाहने वालों को जो है क्षत्रिय की कन्या का वर्ण करे, उनको निमंत्रण करे, निमंत्रण में नियुक्त करे। लाभार्थे वंश वैश्य वंशोत्था, और किसी भी प्रकार के लाभ के लिए वंश वैश्य वर्ण की कन्या को निमंत्रित करें, उसका पूजन करें। मता वा वंश शूद्र वंशजा, अथवा शूद्र वंश की कन्या भी लाभ के लिए निमंत्रणीय है, पूजनीय है, उनका भी पूजन करना चाहिए। अब जाति भेद से बतला रहे हैं, वैसे तो कामना भेद से तो हर व्यक्ति और हर वर्ण वाले की जो जो कामना है उसके भेद से निमंत्रण कर सकता है, परंतु अब आगे कह रहे हैं कि ब्राह्मणैर ब्रह्मजाः पूज्या राजन्यैर ब्रह्मवंशजाः वैश्यैर स्त्रीवर्गजाः पूज्याश्चतस्रः पाद संभवैः। ब्राह्मणैर ब्रह्मजाः पूज्या, ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण कन्या का ही पूजन किया जाना चाहिए। राजन्यैर ब्रह्मवंशजा, और क्षत्रियों के लिए एक तो क्षत्र वंश में उत्पन्न और ब्राह्मण वंश में उत्पन्न कन्या का पूजन करना चाहिए। वैश्यैः स्त्रीवर्गजाः, और वैश्यों को ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीन वंशों में उत्पन्न कन्याओं का पूजन करना चाहिए। पूज्याश्चतस्रः पाद संभवैः, पाद संभवैः शूद्रैः, चतुर्थ आश्रमियों चतुर्थ वर्ण वालों के द्वारा और चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार ये जो है कन्याओं के पूजन की विधि है। अब कन्या किस किस संख्या में कैसे कैसे पूजन करे, तो इसकी देखिएगा ये जो है वर्णन है यहाँ कि एकैकां पूजयेन् नित्यमेक वृद्ध्या तथा पुनः द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं च वा। देखिए, या तो नित्य प्रति नवरात्र में प्रतिदिन एक एक कन्या का पूजन करे, रोज एक का करे, एकैकां पूजयेन् नित्यम, अथवा एक वृद्ध्या तथा पुनः, अथवा एक वृद्धि के यानी प्रतिपदा के दिन एक कन्या का, द्वितीया के दिन दो कन्या का, तृतीया के दिन तीन कन्या का, और चतुर्थी को चार, इस तरीके से एक एक बढ़ाता जाए। अथवा द्विगुणम दूना, यानी प्रतिपदा के दिन पहले जितनी कन्या है उनसे द्वितीया को दूना, पहला ही क्रम ले ले में, जैसे कि पहले दिन एक तो दूसरे दिन जो है दो, और तीसरे दिन दो का दूना चार, और फिर चौथे दिन जो है आठ, चार दूनी, फिर जो है सोलह, इस तरीके से एकोत्तर द्विवृद्धा, दो वृद्धि क्रम से।
द्विगुणम और त्रिगुणम वापी, अथवा रोज के जो है तीन गुना बढ़ाता जाए, पहले दिन एक, दूसरे दिन तीन, फिर जो है छह और एकोत्तर त्रिगुणा विद्या, यानी पहले दिन एक और दूसरे दिन तीन और फिर उसका तीन त्रिक नौ, फिर नौ तीस सत्ताईस, इस तरीके से जो है बढ़ाता जाए त्रिगुणा, जिसने अगले दिन उससे त्रिगुना, फिर अगले दिन उससे त्रिगुणी, फिर उनसे दिन अगले त्रिगुणी रूप में भी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। ये जो है अथवा प्रत्येकम नवकम चबा, अथवा प्रतिदिन नौ नौ कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तो ये क्रम है। और एक ये भी क्रम है जो ये श्रीमद् देवी भागवत में नहीं बतलाया गया है, तंत्र शास्त्रों में है, कि अथवा नौवें दिन ही नौ कन्याओं का पूजन कर देना चाहिए। ये भी मतलोक में भी प्रचलित है। तो ये कन्याओं का विधिवत पूजन जो है होना चाहिए, उनका पादप प्रक्षालन पूर्वक और उनको पूर्वाभिमुख हुई बिठा करके, और उनको जो कन्याओं को प्रिय हो वैसा वैसा उनको भोजन कराए। उसके बाद जो है उनको कुछ वायन देना चाहिए, कुछ मिठाई फल आदि ऐसा दे वह मीठा जो वे ले करके जाए, और कुछ ऐसी चीज भी देनी चाहिए जिससे उनको प्रसन्नता हो, जो खिलौना आदि वो भी दे वे। और फिर कन्याओं को खूब अच्छी तरीके से सम्मान दे करके भगवती पराम्बा दुर्गा महाकाली महालक्ष्मी महा सरस्वती के स्वरूप में ही त्रिगुणात्मिका मान करके उनका पूजन करें, अर्चन करें, पाद प्रक्षालन करें और चरण वंदन करें और फिर उनको विदा करें। तो ये कन्या पूजन का भी शास्त्रों में बड़ा महत्व बतलाया गया है। इस तरीके से कन्याओं का पूजन इसमें नवरात्र में अवश्य ही करना चाहिए। हर हर महादेव।